नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम रोज मंदिर तो जाते हैं, बट हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जिंदगी में एक बार समय शंकर जी की यात्रा जरूर करना चाहिए। तो समय शंकर जी की यात्रा का ऐसा क्या विशेष महत्व है, तो हम सब जानना चाहते हैं। पहली बार आया हूँ, दूसरी बार आया हूँ महाराज जी। चलो देखो, समय शंकर जी का महत्व क्या है, इसका अंदाज तो तुम्हें तब लग जाएगा जब यहाँ की वंदना कर लोगे। ये समय शंकर जी सिद्ध निषीदिका है। क्या है? सिद्ध निषीदिका। यहाँ से अनंत आत्माओं ने मुक्ति को प्राप्त किया। हर चौबीसी के चौबीस चौबीस तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली का गौरव इसे मिला है। वर्तमान में चौबीस में से बीस तीर्थंकरों का निर्वाण यहाँ से हुआ। तो ऐसा महान तीर्थ जिसका कण कण पावन, यहाँ अनंत ऊर्जा है, जहाँ से उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, उनका ये परमावदारिक शरीर यहीं विलीन हुआ, तो तीर्थंकर आदिक मोक्षगामी महापुरुषों के शरीर की, दिव्य अवदारिक शरीर के वो पवित्र रजकनियाँ हैं, उसकी ऊर्जा से आवेष्टित ये धरा है। इसलिए जब हम इस पवित्र धरती की वंदना करते, उसकी रज को अपने माथे पे लगाते हैं, तो हमारी आत्मा की पात्रता निखर जाती है, कर्मों की निर्जरा होती है। और इसीलिए कहते, एक बार बंदे जे कोई, ताके नरक पशु गति नहीं हो। तो नरक और पशु गति से बचने का मार्ग है ये, समझ गए? इसलिए अपने जीवन में एक बार सम्मेद शिखर की वंदना जरूर करना, लेकिन भाव सहित वंदना करना, समझ गए जी महाराज जी। हमसे लोग बोलते हैं, महाराज एक बार बंदे जो कोई, ताकि नरक पशु गति नहीं हो, हम बोले इसको सुधार लो, भाव सहित बंदे जो कोई, ताके नरक पशु गति नहीं हो, समझ गए? और भाव रहित बंदे जो कोई, ताकि निश्चित दुर्गति हो। इसलिए भाव सहित करना, विशुद्धि के साथ करना, बहुत उत्साह के साथ आए। आज गुना और इंदौर के लोगों की ज्यादा संख्या है, और पूरा देश समेत शिखर में तो अभी पूरा सब तरफ लोग भरे हुए। आप हजारों लाखों लोग साल भर यहाँ आते हैं, वंदना का जो भाव आप लेकर आते हैं, उस भाव को संजोइए, और इस वंदना को अपने जीवन की टर्निंग पॉइंट बनाइए। बहुत बड़ी साध लेकर आप लोग शिखर जी आते हैं, तो मैं कहता हूं जितनी बड़ी साध लेकर आए हो, उससे बड़ा पुण्य लेकर जाओ। और वो पुण्य कैसे जाएगा? जब तुम्हारी अध्यात्म की चेतना विकसित होगी। शिखर जी की वंदना करो और अपने आप को मोड़ो, दृष्टि में बदलाव ला। हम उन तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि की वंदना कर रहे हैं, जिन्होंने राजपाट, वैभव, सत्ता, संपत्ति, भोग, विलास सब का परित्याग किया। अब बताओ हमारा आदर्श क्या है, धन या धर्म? क्या है? योग या भोग? तो जब तुम तीर्थंकरों की वंदना के लिए आए हो, तो उनके रास्ते को तुम्हें अपना आदर्श बनाना चाहिए कि नहीं? हाँ? बस एक सोच लेकर जाओ कि मैं यहां आया हूं तो भर कर जाऊंगा। और परोक्ष फल तो तुम लोग बहुत लेते हो, चार प्रत्यक्ष फल लेकर जाना। चार प्रत्यक्ष फल। पहला, धर्म श्रद्धा में वृद्धि।
शिखर जी में आने से पहले मेरी जैसी धार्मिक रुचि थी, यहां से जाने के बाद मेरी रुचि और बढ़नी चाहिए। दूसरी बात, अपने अहम भाव का विनाश, अपने अंदर के अहंकार को समाप्त करो, विनम्रता अंदर आए तब तीर्थाटन का सच्चा लाभ है। तीसरी बात, बुराइयों का परित्याग। शिखर जी में जाओ ना, ऊपर अर्घ चढ़ाना, तो जितनी बुराई है सब भगवान के चरणों में लगा देना। भगवान अब मैं शुद्ध होकर के जा रहा हूं, निर्मल बन करके जा रहा हूं, बुराइयों को त्यागो। और चौथी बात, नए लक्ष्य का संकल्प। तुम्हारा एक ही संकल्प होना चाहिए कि इस भाव में अब मुझे भटकना नहीं, अपना कल्याण करना है। ये चारों बातें यदि आपने साकार कर ली तो तय मानना बेड़ा पार। नमस्ते महाराज।